हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइवर भाइयों को एक बार फिर से बहुत बड़ी राहत दी है। तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूं, वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें आपके कुछ भले की ही बातें मैंने बताई हैं जो कि आपको अवश्य जाननी चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने जो है कई बार वैसे ड्राइवर भाइयों को राहत दी है। जैसा कि आपने देखा, जब से कोरोना काल चालू हुआ है तब से लेके अभी तक कई बार जो है उन्होंने ड्राइवर भाइयों को राहत दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने भी अक्टूबर नवंबर तक राहत दी थी ड्राइवर भाइयों को, लेकिन अनेक राज्यों में जो दिल्ली से अलग जो राज्य हैं, चाहे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं अन्य जो भी राज्य हैं, किसी भी राज्य ने केंद्र सरकार से हट के आज तक किसी भी ड्राइवर को जो है राहत की कोई भी वो नहीं दी है। तो दिल्ली सरकार, सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कई बार दिल्ली सरकार ने अपने ऊपर जो अपने लेवल पे, मतलब जो है अपने लेवल पे ड्राइवर भाइयों को कई बार राहत दी है। तो इसी प्रकार इस बार भी जो है दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली के ड्राइवरों को राहत दी है। वो ड्राइवर को राहत किस प्रकार की दी है, चलिए मैं आपको सबसे पहले दोस्तों मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली सरकार ने ड्राइवर भाइयों को जो ये राहत दी है उसके लिए। दूसरा ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर भाई नए आए हो और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ड्राइवर भाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी आती है जो ड्राइवर से संबंधित होती है, चाहे वो आरटीओ की हो या फिर चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हो या फिर अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी आती है, मैं उसे सभी ड्राइवर भाइयों को देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें सभी प्रकार की आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अब मैं बताता हूँ दिल्ली सरकार ने जो है ड्राइवरों को राहत किस प्रकार से दी है। तो सबसे पहले दो राहत दी है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ नंबर वन ये है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि अभी दिल्ली में जो है डीडीएमए ने, जो मतलब डीडीएमए है, उसने अभी काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लागू कर रखी हैं दिल्ली के अंदर। वो पाबंदियों के चलते हुए अभी आपने देखा होगा किसी भी बुराड़ी अथॉरिटी हो, चाहे आपकी लोरिंग हो, चाहे सराय कालेखां हो या फिर लोकल कोई भी अथॉरिटी हो, सभी अथॉरिटियों में जो है ऑफलाइन काम सभी बंद है। सिर्फ आधा स्टाफ आ रहा है, वो अपना काम कर रहा है, बाकी जो भी वहाँ पे टेस्ट होते थे वो अभी सारे बंद हैं। तो इसी कारण दिल्ली परिवहन विभाग ने जब ये पाया कि सभी आईडीटीआर ने अपने यहाँ पे ट्रेनिंग की जो क्लासेस होती थी और जो आरटीओ ऑफिस में जो टेस्ट होते थे वो सभी बंद कर रखे हैं, तो जिन ड्राइवर भाइयों ने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाया है, जो नया लाइसेंस बनवाने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनता है और उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले मार्च के महीने तक, लास्ट तक 31/3/2022 तक उनके लर्निंग लाइसेंस जो हैं वो वैलिड माने जाएंगे। तब तक आप अपना ड्राइविंग टेस्ट दे के परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता दूं, दूसरी जो राहत भरी खबर दी है दिल्ली परिवहन विभाग ने वो ये है दोस्तों कि जितने भी दिल्ली के कमर्शियल हैवी लाइसेंस जो है, जितने भी हैवी लाइसेंस हैं उनको भी दोस्तों इसी प्रकार से 31 मार्च 2022 तक राहत दी है रिन्यूअल कराने के लिए। अगर दोस्तों उनके जैसे हैवी लाइसेंस हैं और वो रिन्यूअल नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों उनको 31 मार्च 2022 तक छूट दे दी है। उसका कारण दोस्तों यही है, क्योंकि जब भी रिन्यूअल की क्लास लेनी पड़ती है तभी उसके बाद हमारा जो हैवी लाइसेंस हो या कमर्शियल लाइसेंस हो कोई भी, वो रिन्यू होता है। अब जब आईडीटीआर किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं ले रहे हैं तो इस कारण उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता। तो यही सब देखते हुए दिल्ली सरकार ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वालों को भी ये राहत देते हुए 31 मार्च 2022 तक छूट दे दी है। तो दोस्तों ये दिल्ली सरकार ने दो बहुत अच्छी खबर दी हैं, हम ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों मैं दिल्ली सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि इन आपने जो ये राहत दी है बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप स्कूल कैब, ग्रामीण सेवा, इन ड्राइवरों पर भी करिए, क्योंकि ये भी काफ़ी परेशान हैं। स्कूल कैब वाले तो 2 साल से अपने बैठे हुए हैं, उनकी भी जो है फिटनेस की जो है डेट बढ़ाई जाए, उनके परमिट की जो है रिन्यूअल डेट बढ़ाई जाए ताकि उनको भी कुछ राहत मिल सके। दूसरा ये है दोस्तों, जैसे हमारे ग्रामीण सेवा वाले भाई हैं जो ग्रामीण सेवा चलाते हैं, उनके परमिट की जो एक्सटेंड करना था वो उनको एक्सटेंड करें, उनकी जब तक उनकी उनका रोड टैक्स लिया गया है या फिर उनकी जो भी फीस जमा है उसके हिसाब से उनका परमिट
जो है एक्सटेंड किया जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।